बाइक अपनी बहुत खतरनाक लग रही है, स्पेशली येलो कलर जो है ना। मम्मी पापा तो गाड़ी दोगे, इतनी महंगी चीज लेकर आएंगे तो भी कुछ बगदर नस हो जाएगा। राम राम जी, सारा नौ ठीक हो? सारे हो तो सारे ठीक होंगे। सुबह सुबह उठ के व्लॉग एडिट करके शेड्यूल कर दिया है शाम 7 बजे के, आप लोग अभी देख रहे हो। अभी टाइम हो गया 11:56, 12 बज गए, नहा धोगे अब तैयार हुए। कल रात को लेट पहुंचे थे, आप लोगों ने सारा कुछ देखा। ले से एक दिन में सारा रास्ता तय किया, क्योंकि बहुत कुछ अर्जेंट ऐसा काम आ गया था जिसके करके हमें एक दिन में वापस मनाली पहुंचना था। घूमते हैं बाहर, खूब अच्छी खासी निकली हुई अभी तो। ये अपनी गाड़ी पे भी पूरी पहचान है कि हाँ भाई ये कुछ ऑफ रोड बढ़िया करके आए हैं। अभी सबसे पहले हम आए हैं वहीं होटल के सामने, एक जगह थोड़ा बहुत घूमते, फुल ऑन मतलब पूरी ग्रीनरी वाली जगह है। एक डेढ़ घंटा हो गया, अब दो माइंड हो रहे हैं, एक तो ये कि स्कूटी रेंट कर ली जाए या कोई बाइक रेंट कर ली जाए या फिर अपनी गाड़ी निकालने जाए घूमने के लिए। पहला माइंड ये कि स्कूटी कर लेते तो ओल्ड मनाली घूम लेंगे हम अच्छे से ना, और गाड़ी ले ली तो हम अंदर अंदर कहीं नहीं घूम पाएंगे। और टाइम अभी 1:30 बज गया, स्कूटी रेंट कर लिया तो वो जितने भी चार्ज होंगे शाम तक शायद हमें रिटर्न वापस करनी पड़ेगी या कल सुबह तक, जो भी है तो देखते हैं वर्थ होगा। वन विहार मनाली, हाँ इस जगह का नाम था वन विहार मनाली, हमने नाम नहीं पढ़ा बस ऐसे ही देखे कि अच्छी ग्रीनरी वाली जगह लग रही है, सीधा अंदर आ गए थे। मतलब सही जगह थी, पीसफुल सा था, फैमिली आई हुई, बच्चे मतलब बच्चों के लिए पार्क है, कैफे है, कुछ खाना पीना है, मतलब अच्छी जगह थी। पर पर्सन 50 रुपीज चार्ज है। और फाइनल हो गया कि स्कूटी रेंट करने के लिए जा रहे हैं माल रोड से, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, वैसे तो नीचे भी मिल रही है ठीक है, और फिर चलते हैं। स्कूटी रेंट करने के लिए आए थे, इस वाली बाइक पे मेरा मन आ गया है तो मैं सोच रही हूँ जाके क्यों ना, और कलर स्पेशली अच्छा लगा मुझे ब्लैक और येलो, होंडा की शायद बाइक, लेकिन उन्होंने बताया कि हम रेंट पे देते पर्सनल यूज के लिए, नहीं तो अपना एक ये था कि एटलीस्ट एक दिन के लिए तो ये बाइक अपनी होने वाली थी, पर रेंट पे ही नहीं मिल रही तो कोई फ़ायदा नहीं है। पर दिखने में बहुत खतरनाक लग रही है, स्पेशली येलो कलर जो है ना ये मेरे को सबसे ज़्यादा मस्त लगा इसका। इतनी सारी शॉप से पूछ चुके हम, 5-6 शॉप से ट्राई कर चुके, स्कूटी जुपिटर कुछ भी मिल जाए कहीं भी नहीं मिल रही। बाइक तो है, एवेंजर्स भी थी, बुलेट भी थी, हिमालयन भी थी, पर अपने को स्कूटी चाहिए। अभी एक और शॉप किसी ने रेकमेंड किया, वहाँ मिल जाते हैं तो वहाँ और पूछते हैं। आई गए यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिल रही है स्कूटी, बाइक तो नहीं। इतनी एक्साइटमेंट थी सुबह से कि स्कूटी लेके घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पूरा मनाली माल रोड, पूरी मार्केट, सब जगह स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारी जगह पूछ रहे, जितने भी शॉप थी कहीं भी स्कूटी रेंट के लिए आज के लिए तो अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि हम थोड़ा लेट निकले, 2 बज गए थे पूछने निकले इतने वह तो सुबह सुबह आना था क्योंकि स्कूटी की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। फाइनली अभी जो है कुछ जुगाड़ लगाने के बाद हमें एक्सेस मिल गई है जो कि ये रही, अब चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले कैफे 1947, मुंह दिख ही नहीं रहा, कैफे 1947। लास्ट टाइम जो मनाली रुके थे ना, मतलब ले जाने से पहले वेटिंग थी, 10-15 मिनट इंतजार किया था तब नंबर, लेकिन उस दिन हम थोड़ा लेट आए थे शाम के टाइम, और वो ना रिवर साइड पे है तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे रहते, थोड़ा पॉपुलर है इस टाइम, शायद अभी इतनी भीड़ ना मिले, बाकी तो जाके देखेंगे। 3:30 बज गए अभी। Santa ya sabe cómo es, cómo es.
चुके हैं कैफे 1947, अपना ऑर्डर कर दिया है। यहाँ पे व्लॉग थोड़ा कम ही करूँगी क्योंकि म्यूजिक चल रहा है, तो कॉपीराइट अपने को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मस्त अपना खा पी के फिर घूमेंगे। Campana, muévete, mami bonita, muévete hasta mañana, muévete mi rumberrita, muévete con la campana, muévete mami bonita, muévete hasta mañana, muévete mi rumberrita, mami muévete. Last time हमें आए थे ना, तो हमें ये अपनी फेवरेट वाली जगह नहीं मिली थी, हमें ऊपर अंदर बैठना पड़ा था। बट इस टाइम जो कि हम थोड़ा बाजी मार के जल्दी आए, तो हमें बिल्कुल रिवर साइड व्यू के साथ बढ़िया जगह मिली, तो वर्थ हो गया आज इस टाइम आना। और अब मन खुश। हद भीड़ होगी इधर से, इधर से देखियो। याद आना एक बार है, याद आना है। अच्छा जूस दिलवा दो जूस। हाँ सही है, मम्मी भी देखेंगे, मम्मी ने बताऊंगे यहाँ से जूस लेने की। मम्मी ने कहा अगर बेटा रोज पी के सोया अगर जूस। पूछूंगी मैं। मार्केट में ना मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब इतनी बार मनाली आ चुके पर यहाँ पहली बार आई हूँ। और माल रोड से बिल्कुल अलग ही वाइब है, ऐसा लग रहा है जैसे पुष्कर की मार्केट नहीं थी उसमें घूम रहे थे दिन रात। बीर की भी थी। हाँ बीर की भी कुछ ऐसी थी वाइब्स, मतलब बिल्कुल अलग। बढ़िया कैफे हैं, बढ़िया लाइटिंग है, सूदिंग सा म्यूजिक चल रहा है, लोग दोस्तों के साथ आए हुए हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं, चिल कर रहे हैं, तो अच्छी वाइब्स हैं यहाँ पे भी। एक ही स्कूटी ने जी काट रहा है, इसका पास लेटर जमा घिस रहा है। और जब भी डुलाना हो गए 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 इतनी तो बच रहे हैं। देख कर अमरियो पके तुसे पने ना मुए 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 दे मामी मुए दे के तू अवाला होते ha dicho otra vez que tu mala santa ya sabe cómo es cómo es y la santa canta todo el mundo de pie. Mami muévete, que tu avalao te han dicho otra vez, que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Ay nena no te va, ay no te va, mueve tu cintura. Pocho que es, mal road. Muévete pa'lante y después pa' atrás, acércate bonita, quédate acá. Mami muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez, que tu mala santa... बनाना तो नहीं आता दूध लड्डू। डॉक्टर ने मना कर रखे मम्मी पापा तो गाड़ी दोगे इतनी महंगी चीज लेकर आ गए। इसलिए असर होगा ना, किसी ने बेचने से परफ्यूम मारा होगा ना, परफ्यूम पानी में खुशबू उड़ जाएगा, पानी इसलिए डाला है। आप सुन के देखना मैसेज बना हुआ हमने को इसका पहचान बड़ी बता दो ही नहीं रहा कोई तो मुट्ठी बंद करने से एक ऐसा हाथ दिखाना भाई अपना ये हमने कुछ ना कुछ बेच के जाओगे पक्की बात है। आई है तो सच सच बताओ कुछ भाई नहीं आई दिखाने वाले नीचे से दिखाओ तो इतना तो स्मेल है यार। आप जैसे तो ऐसा ले जाते ऐसा छह वाला हमारे जैसे छह वाले हमारे सच में हमारे माथे पे तो कुछ ना कुछ लिख रखा है कि ओरिजिनल है ओरिजिनल। किलो दोना बेटा एक आटा चावल है किलो की खाओगे लगा लो। मैंने 5 ग्राम 300 में बोला तो लगाओ फोन आपके हाथ में लगा लो बस। इतने पढ़े लिखे होते तो यही काम बना करता मैं। सही बात है।
फिर भी आप इतना ये ओरिजिनल चीज इतने सस्ते में आप कैसे देते हैं? खेत से निकाल के लाते देते बाजार से लोग और क्या कहाँ होता है कश्मीर में यहाँ पे रोने जाए तो हम कभी ठाल लिया चलो फिर कश्मीर चलना है तो बताओ मजाक नहीं हमें ठाल लिया भाई करता है ये पहला ऐसा बंदा है जो बेचने आकर अपने आप से लाके नहीं दा सकते सर ओरिजिनल है मैडम ओरिजिनल है सुन लो ले लो आज तक जाते कह रहे सर मैडम कहां फंस गया मैं टाइम हो गया रात के 9:03 और बढ़िया 1.5 घंटा माल रोड पे बढ़िया घूम चुके अब ये तसल्ली हो गई कि वो और नहीं घूमना भी पैर भी दर्द करने लगे पूरा आगे पीछे अंदर तक चले गए थे पूरा ऊपर अब बैठे हैं डिनर की इतनी भूख थी नहीं क्योंकि कैफ़े पे शाम को लेट तक खाया था तो अभी अपना गर्मा गर्म दूध ले लिया है जो बढ़िया है उबाल उबाल के निकाल के बनाते हैं ना वो वाला उसे पी के रोटी की तो भूख रहेगी भी नहीं वैसे ना पहले ही से पी के तो बस अब सोने की तैयारी है ब्लॉग के लिए रखती हुई इतना ही होपफुली आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा ऑल्सो काफ़ी सारे लोग जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी मनाली स्टे किया तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपने कौन सी प्रॉपर्टी में स्टे किया था तो कोई प्रमोशन नहीं है बट स्टिल मैं बता देती हूँ पैरामाउंट करके प्रॉपर्टी है यहाँ पे तो इन दिनों तो काफ़ी बजट फुल टैरिफ पे ऑन सीजन काफ़ी महंगे रूम्स हो जाते हैं मैंने वहाँ स्टे किया हुआ था और अब भी वही है एट द एंड हमेशा की तरह मोज लो रोज लो ना मिले तो खोज लो बाय।